रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि भारतीय सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के लिए 6322 करोड़ रुपए की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया था। मोदी सरकार का ये कदम चाइना के ऊपर से हमारी डिपेंडेंस यानी निर्भरता को कम करने की ओर बहुत ही मेजर स्टेप था, क्योंकि स्पेशलिटी स्टील जितना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक आइटम है, हम ये सारे का सारा लगभग $4 बिलियन तक का स्पेशलिटी स्टील हर साल प्राइमरली चाइना से इम्पोर्ट किया करते थे। वैसे जिनको नहीं पता कि स्पेशलिटी स्टील क्या होता है और ये क्यों इतना स्ट्रेटेजिक आइटम है और किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक तरह का वैल्यू एडेड स्टील होता है। जब हम नॉर्मल स्टील में और कोई एलिमेंट ऐड करके उसके ऊपर कोटिंग या प्लेटिंग करते हैं या किसी और एलिमेंट के साथ उसको हीट ट्रीटमेंट देकर उसकी स्ट्रेंथ या हार्डनेस को बढ़ाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं, जैसे उसको हीट रेजिस्टेंट बनाते हैं या क्रोजन रेजिस्टेंट बनाते हैं, तो वो स्पेशलिटी स्टील कहलाता है, जिसको कई बार हाई ग्रेड या एलॉय स्टील भी कहा जाता है। ये स्पेशलिटी स्टील बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में कई तरह के टैंक तोपों जैसे हथियारों को मैन्युफैक्चर करने में, स्पेस सेक्टर में रॉकेट्स और सैटेलाइट्स वगैरह बनाने में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में गाड़ियां बनाने में, जबकि एयरोस्पेस इंडस्ट्री में प्लेन और फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। मोदी सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये तब तक सफल नहीं होगी जब तक इस स्कीम के तहत कोई फॉरेन या डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर आगे आकर भारत में स्पेशलिटी स्टील मैन्युफैक्चर करने का बेड़ा नहीं उठाएगा। वरना ये जो 6322 करोड़ रुपए की स्पेशलिटी स्टील की PLI स्कीम है, ये पेपर्स में रह जानी थी और फिर हम हर साल की तरह चाइना से स्पेशलिटी स्टील इंपोर्ट करते। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही भारत की टेंशन खत्म कर दी है रशिया ने, क्योंकि रशिया भारत के $4 बिलियन बचाने के लिए सामने आ गया है जो हर साल चाइना को जाते थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक स्पेशलिटी स्टील के लिए रिसेंटली जो PLI स्कीम अनाउंस की गई थी, उसके अंतर्गत रशिया की फर्म्स भारत के अंदर आकर मेक इन इंडिया के तहत स्पेशलिटी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये जानकारी दी है स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर मुकेश कुमार ने। मुकेश कुमार ने बताया कि रिसेंटली हमारे स्टील मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद जी रशिया के दौरे पर गए हुए थे, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉप रशियन स्टील मेकर्स NLMK और सेवरस्टेल ये जल्दी भारत में आकर स्टील प्लांट स्थापित करके यहाँ पे स्पेशलिटी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवरस्टेल भारत के कर्नाटका राज्य में और NLMK महाराष्ट्र राज्य में स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ मुकेश कुमार ने यह भी बताया कि रशिया के स्टील मेकर्स की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ विदेशों की कई सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो भारतीय स्टील मेकर्स को स्पेशलिटी स्टील की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इनडायरेक्टली भी टाइप करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि नॉर्मल स्टील के मामले में भारत चाइना के बाद वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है और हमारे लोकल स्टील मैन्युफैक्चरर्स को स्पेशलिटी स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए बस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स चाहिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रशिया से ही आने वाले हैं। वैसे हमारे स्टील मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद का रशिया का दौरा करना और फिर ये स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI स्कीम का ऐलान करना, ये दर्शाता है कि मोदी सरकार कितनी प्लानिंग और सोच समझकर PLI स्कीम को एग्जीक्यूट कर रही है, ताकि पुरानी स्कीम्स की तरह ये स्कीम भी खाली पेपर्स के ऊपर न रह जाए। जरूरत महसूस होने पर मोदी सरकार द्वारा हमारे स्टील मिनिस्टर को रशिया तक भेजा गया और वहां से स्पेशलिटी स्टील मेकर्स को भारत लाने की जिम्मेवारी सौंपी गई। मोदी सरकार को विश्वास है कि अगर स्पेशलिटी स्टील के लिए जो PLI स्कीम लॉन्च की है वो सफल हो गई तो भारत में लगभग 40,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आएगी, जबकि 5,25,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्पेशलिटी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो गई तो भारत में ऐसी और भी कई सारी इंडस्ट्रीज आएंगी जिनमें स्पेशलिटी स्टील का इस्तेमाल होता है, क्योंकि फिर उसके बाद उनको भारत में सारा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, यानी विदेशों से स्पेशलिटी स्टील इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ हम स्पेशलिटी स्टील से अपनी लोकल डिमांड्स पूरी करने के बाद इसको दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, यानी स्पेशलिटी स्टील के मामले में आने वाले कुछ ही सालों के अंदर भारत नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर देश भी बन सकता है। वैसे PLI स्कीम के अंतर्गत इन सारी कंपनीज को इंसेंटिव देने को लेकर मोदी सरकार का कई सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या PLI स्कीम के अंतर्गत इन कंपनीज को इंसेंटिव देना मोदी सरकार का बिल्कुल सही कदम है, हाँ या फिर नहीं।